Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. I'm your class teacher, Mrs. Suman. Today we read lesson 6 in evening. The name of the lesson is My School. My School matlab, what's your school name? आपके स्कूल का नाम क्या है? आर्यंस मॉडल स्कूल. ठीक है, तो इस तरह से हम माई स्कूल के बारे में रीड करेंगे. इसमें क्या दिखाया गया कि स्कूल में क्या क्या होता है? लाइक स्विंग्स होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी होती है, देन क्लासरूम होता है. दिस इज़ अ क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. प्लेसेस इन अ स्कूल मतलब कि कौन कौन सी जगह होती हैं स्कूल में. वी लर्न डिफरेंट थिंग्स एट स्कूल. हम स्कूल में बहुत अलग अलग चीज़ें सीखते हैं. वी मेक फ्रेंड्स एट स्कूल. हम दोस्त बनाते हैं स्कूल में. वी प्ले एंड स्टडी विद देम. हम उनके साथ खेलते हैं और पढ़ते हैं. देन क्लासरूम. अ टीचर टीचेस अस इन अ क्लासरूम. एक टीचर पढ़ाता है एक क्लासरूम में. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर्स. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हमारे टीचर्स से. वी ओबे आवर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट देम. हम हमारे टीचर्स का आदर करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं. देन प्रिंसिपल्स ऑफिस. प्रिंसिपल का ऑफिस. द हेड ऑफ द स्कूल इज़ नोन एज द प्रिंसिपल. स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल. जो हेड होता है स्कूल का उसे प्रिंसिपल कहा जाता है. ही और शी सिट्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. वह प्रिंसिपल ऑफिस में बैठता है. द प्रिंसिपल लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ द स्कूल. प्रिंसिपल देखभाल करता है कि स्कूल में कैसा काम होता है. लाइब्रेरी. वी गो टू अ लाइब्रेरी टू रीड एंड बोरो बुक्स. हम लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए और किताबें लेने के लिए. अ लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन मतलब होता है जो पर्सन लाइब्रेरी की देखभाल करता है या बुक्स को अरेंज करता है उसे बोलते हैं लाइब्रेरियन. अ लाइब्रेरियन इज़ अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी एंड हेल्प्स अस फाइंड बुक्स दैट वी वांट. एक लाइब्रेरियन एक पर्सन होता है जो लाइब्रेरी की देखभाल करता है और हमारी मदद करता है बुक्स को ढूंढने में जो हमें चाहिए. वी शुड ऑलवेज मेंटेन साइलेंस इन अ लाइब्रेरी. हमें लाइब्रेरी में साइलेंस रखना चाहिए मतलब बिल्कुल चुप रहना चाहिए. स्कूल गार्डन एंड प्ले ग्राउंड. अ स्कूल गार्डन हैज़ मैनी ट्रीज प्लांट्स एंड कलरफुल फ्लावर्स. एक स्कूल गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल होते हैं. अ प्ले ग्राउंड इज़ अ प्लेस वेयर वी प्ले इन अवर फ्री टाइम एंड गेम्स पीरियड. एक प्ले ग्राउंड एक जगह होती है जहाँ हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं हमारे फ्री टाइम में और गेम्स पीरियड में. मैनी स्कूल्स हैव स्विंग्स इन प्ले ग्राउंड. बहुत सारे स्कूल्स में झूले होते हैं प्ले ग्राउंड्स में मैदान में. पीपल हु हेल्प अस एट स्कूल. कौन कौन लोग हमारी मदद करते हैं स्कूल में? देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस एट स्कूल. बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं स्कूल में. नंबर वन इज़ अ प्यून. अ प्यून हेल्प्स द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल. एक प्यून मदद करता है टीचर्स की और प्रिंसिपल की. ही और शी ऑल्सो रिंग्स द स्कूल बेल. वह स्कूल की घंटी भी बजाता है. अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द स्कूल गार्डन. एक गार्डनर जो होता है माली जो होता है वो स्कूल के गार्डन की देखभाल करता है. देन अ स्वीपर helps to keep the school clean. एक sweeper मतलब झाड़ू मारने वाला school को clean रखता है. A gatekeepers, the gatekeepers guard the school and keep it safe. Gatekeeper जो होता है जो गेट पे खड़े रहते हैं वो school की रक्षा करता है और उसे सुरक्षित रखता है. The bus driver drives the school bus. बस का जो driver होता है वो school bus drive करता है चलाता है. He or she brings children to school. वह बच्चों को स्कूल लेकर आता है. He or she also drops them back after the school is over.
वह बच्चों को वापस छोड़ता है घर पे जब स्कूल ख़त्म हो जाता है। वी शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट पीपल हु हेल्प अस एट स्कूल। हमें हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए जो हमारे स्कूल में मदद करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर स्कूल क्लीन एंड ग्रीन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे स्कूल को क्लीन और हरा भरा रखें। Now the lesson is complete. I hope you all understand. तो चलो अब इस लेसन की एक्सरसाइज करते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ओके टेल मी, वी शुड थ्रो पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लोर। हमें पेंसिल और शेविंग्स जो होती हैं वो फ्लोर फर्स्ट पे गिरानी चाहिए? नो, दैट इज फॉल्स। अ लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्विंग्स फॉर अस टू प्ले ऑन। एक लाइब्रेरी में बहुत सारे झूले होते हैं खेलने के लिए? नहीं, लाइब्रेरी में क्या होता है? बुक्स होती हैं। अ क्लास टीचर इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। क्लास टीचर हेड ऑफ द स्कूल होता है? नो, फॉल्स, प्रिंसिपल होता है। अ गेट कीपर गार्ड्स अवर स्कूल गेट। गेट कीपर स्कूल के गेट की रक्षा करता है? यस, दैट इज ट्रू। अ लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर अ लाइब्रेरी। यस, ट्रू। एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी की देखभाल करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? द नेम ऑफ योर क्लास टीचर इज, द नेम ऑफ माय क्लास टीचर्स नेम इज मिसेस सुमन शर्मा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नेम क्या है? द नेम ऑफ माई स्कूल प्रिंसिपल्स इज मिस्टर विकास फोगाट। ओके, देन नेम एनी टू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू एट स्कूल। नंबर थर्ड, कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको स्कूल में करना पसंद है? आई लाइक टू रीड एंड राइट इन अ नोटबुक, या आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स and study, ये मुझे पसंद है। Then next, let's observe, अब देखिए इसको। Which place is shown in the picture? This is a picture, तो ये कौन सी place है? This is a library. Who looks after it? इसकी देखभाल कौन करता है? Librarian. कौन देखभाल करता है इसकी? Librarian. Then how should we behave in this place? We maintain silence. हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए इस प्लेस पे। सो दिस लेसन इज कंप्लीट। ओके ओके, थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन।